नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूँ, जो है मनरेगा मजदूरी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो मनरेगा के मजदूर हैं, मजदूरी तो करते हैं लेकिन सबको पता नहीं होता कि उनकी मजदूरी डेली की कितनी है, और इसमें वो कभी कभी मात भी खा जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये दिखाया जाता है मनरेगा केंद्रों पर, ये पता चलता है कि जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही, किसी और को मिल रही है। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि उनकी मजदूरी कितनी मिलती है, मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है। तो ये आज मैं पूरे भारत वासियों, पूरे राज्य जितने भी भारत में रहे, सबके यहाँ मनरेगा की मजदूरी के बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनरेगा की मजदूरी कितनी है? मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना आज भारत के सभी राज्यों ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस योजना के तहत जॉब कार्ड धारियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है। ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिदिन की मजदूरी तय किए हैं, लेकिन ये मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले अधिकांश जॉब कार्ड धारक प्रतिदिन मजदूरी के बारे में नहीं जानते हैं। इससे उन्हें कितने दिनों के कार्य के लिए कितना पैसा मिलना है, इसकी गणना नहीं कर पाते हैं। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, इसलिए मनरेगा की मजदूरी कितनी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको एक दिन में मनरेगा की मजदूरों को कितना पैसा मिलता है ये बताएंगे, और राज्य और प्रतिदिन मजदूरी के, तो राज्य में आंध्र प्रदेश में 237 रुपये एक दिन का, और असम में 213 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 205, बिहार में 194, छत्तीसगढ़ में 190, गुजरात में 224, हरियाणा में 309, और हिमाचल प्रदेश में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 198 रुपये और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 248, जम्मू और कश्मीर में 240, झारखंड में 194, केरल में 291, कर्नाटक में 275, महाराष्ट्र में 238, मध्य प्रदेश में 190, मणिपुर में 238, मेघालय में 203, मिजोरम में 225, नागालैंड में 205, उड़ीसा में 207, पंजाब में 263, राजस्थान में 220, सिक्किम में 205, तमिलनाडु में 256 और त्रिपुरा में 205, उत्तर प्रदेश में 201 रुपया, उत्तराखंड में 201, पश्चिम बंगाल में 204, अंडमान और निकोबार में, अंडमान जिला 267 और निकोबार जिला में 282, दादर और नगर हवेली में 258 और दमन द्वीप में 227, लक्षद्वीप में 266, पांडुचेरी में 256, तेलंगाना में 237 और गोवा में 280। तो दोस्तों, ये रहे जिन जिन राज्यों में जितनी जितनी कितनी कितनी मजदूरी मिलती है, ये रही उनके बारे में डिटेल। और नरेगा में मेट की मजदूरी कितनी है? नरेगा में मेट की मजदूरी उतनी ही है जितना मनरेगा में कार्य करने वालों को मिलता है। जैसे बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपये है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 201 रुपये है, राजस्थान में 220 रुपये, और छत्तीसगढ़ में नरेगा मेट की मजदूरी 190 रुपये है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी निर्धारित की गई है। इन सभी राज्यों का प्रतिदिन मजदूरी की दर जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया है। मनरेगा की मजदूरी कितनी है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इसमें बता रहे हैं, जो जॉब कार्ड धारक है ये जान सकें कि उन्हें नरेगा में एक दिन का कितना पैसा मिलता है। और ये जानकारी जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ये रही जो है नरेगा से संबंधित जानकारी। मुझे लगता है आपको बेहद ही पसंद आया होगा
क्योंकि ये सारी जानकारी जो मैंने बताया मजदूरी के बारे में, ये सभी को अच्छे से पता भी नहीं होता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये सूचनाएं ढूंढ ढूंढ कर सरकार के द्वारा जैसी ही योजना आती है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और पहुंचाती भी हूँ और आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो किसान भाई हैं, मजदूर हैं, उनके लिए रोटी कमाना कितना ही मुश्किल है। तो वो 2 जून की रोटी खा सके, इसलिए उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि वो भी जागरूक हो सके। और जागरूक होना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आप लोग सारी जानकारियों को ज़रूर जाना करिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।